लिया है, जो खेती के बारे में और कुछ है वो उसके बारे में है, तो ऐसे फालतू क्या मांग रहा है, काहे के लिए इतनी फौज लगाई? वही मंगा ही जिहड़ी इहदे पहला मन चुका वह मनवाउण वास्ते लागू कराउण वास्ते इकट्ठे होके किसान आए हैं। पर यह की किया, सेंटर गौरमेंट हरियाणा गौरमेंट पंजाब गौरमेंट सब एक ही रस्से चल रही है। सबसे ज़्यादा कुर्बानी दिया इस पंजाब को तोड़ने के लिए, समय समय पर सरकार ने पॉलिसी बनाई, 75 का इमरजेंसी देखो या 84 का सिख दंगा देखो या 2020 में जो 2020 जब कानून लेकर के इन्होंने आया, तो देखो ये लड़ाई किसान की तो पॉलिसी से है ही, लेकिन साथ साथ इस देश की सिस्टम, ये सारा लड़ाई देश की सिस्टम से है। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पाठक, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं शंभू बॉर्डर पर पहुंच चुका हूं। ये वही शंभू बॉर्डर है जहां पर पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर, एमएसपी कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और बैठे हैं। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, ये हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो हरियाणा की सीमा है, हरियाणा की सीमा में आर्मी के बाद हरियाणा की पुलिस बैरिकेडिंग पर खड़ी है, लगातार मुस्तैद है। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे कि किस तरीके से जेसीबी लगाया गया है, बुलडोजर लगाया गया है कि ताकि और यहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ ना जा पाएँ, यहाँ के ट्रैक्टर वहाँ ना जा पाएँ। आप देख रहे होंगे कि कटीले तार भी लगाए गए हैं लगातार रोकने के लिए कि गाड़ियाँ ना जा पाएँ। मोटे मोटे बोल्डर हैं, हम आपको बोल्डर भी दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से रोकने के लिए। ये देखिए, ये पत्थर वगैरह लगाए गए हैं, ये इतने मोटे मोटे पत्थर लगाए गए हैं सड़क पर। इस दूर से आप देखिए जिस तरीके से आर्मी लगी हुई है, लगातार भी लगी हुई है, उनके पास पूरी व्यवस्था से पूरी प्रशासन मुस्तैद है ताकि जो किसान हैं वो इससे आगे ना बढ़ पाए। लेकिन किसान भी, हम आप किसानों को भी दिखाना चाहेंगे कि ये पंजाब बॉर्डर है और पंजाब बॉर्डर में किसान लगातार डटे हुए हैं। यहाँ से आप जितनी दूर देखेंगे उतने दूर किसान दिखाई देंगे, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक किसान लगातार दिखाई देंगे, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए धरना कर रहे हैं। ये बॉर्डर एरिया है, इसके इस तरफ पंजाब है और इसके उस तरफ हरियाणा है, दोनों के बीच का ये बॉर्डर है। ये लोग पंजाब बॉर्डर पर खड़े हैं हरियाणा में कि इसी रास्ते से, ये जो रास्ता है ये दिल्ली जाता है और इसी रास्ते से दिल्ली जाएंगे। शायद सरकार इनकी मांगों को अभी नहीं सुन रही है। इनका कहना है कि ये जो लोग हैं यहाँ पर, इसमें ये आंसू गोले वगैरह और जो भी सारी चीज़ें हैं ये इतनी दूर से गिराते हैं, तो ये पूरी सरकार की तैयारी है। सर, ये अभी कितने दिनों से ये आंदोलन चल रहा है और कब तक चलेगा? ये 11 तारीख से चालू, 11 तारीख से हम पंजाब से चले हैं, तो आज इतना दिन हो गया है ये चालू, जितना तक मंगा नहीं मान देना चालू रहूंगा। यहाँ से ये बैरिकेडिंग लगा दिया है, इसके आगे आपको नहीं जाने देंगे? नहीं, आगे जाएंगे तो बम मारते, गोलियां मारते हैं। ये पूरा बोल्डर से, पत्थरों से ये पूरा रोक दिया है, ये पूरा रोक दिया, पूरा जाम कर देता नया, वो आगे जाने देते। यहाँ से इसके आगे पंजाब है, ये हरियाणा है, तो वो भी पंजाब दे बेची है जिथे बैठे आ, पंजाब का है, पूरा नदी पंजाब का है, पंजाब इधर से आगे 2 किला पंजाब है। अच्छा, मतलब ये पंजाब में जो आर्मी है, आरएएफ लगी हुई है, ये पंजाब में ही लगी हुई है? सेंटर गवर्नमेंट दी चाल और हरियाणा गवर्नमेंट नाल मिक्स हो के पंजाब दे विच ही शैलिंग कर रही है, तो पंजाब दे विच ही इन्होंने बैरिकेडिंग लाई है। अच्छा, ये जेसीबी वगैरह लेकर के भी आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा बस ये तो सेंटर गवर्नमेंट बता सकता है कि हम पंजाब, इंडिया पंजाब के हैं या पाकिस्तान के हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम इसी देश के हैं या बाहर के हैं? इसी देश करके, वो तो सानू बाहर दे समझदे आ, इस देश दे सानू समझदे नहीं है, जे देश दे सानू समझदे ते आ जिहड़ा आ पाकिस्तान दा बॉर्डर बनाउंदे इन्हां नाल, इन्हां ने पाकिस्तान दा बॉर्डर बनाता, सानू अपने समझदे नहीं गए नाल। ये बॉर्डर ऐसा लग रहा है कि ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। हां, पाकिस्तान दा बॉर्डर बनाता इन्हां ने।
ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਆਪਕੋ ਰੋਕਨੇ ਕੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਪੂਰੇ ਆਰਐਫ ਕੇ ਜਵਾਨ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਕੇ ਆਰਮੀ ਤਿਆਰ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਗੇ ਨਾ ਜਾ ਪਾਏ ਆਪ ਇਹ ਬਤਾਓ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇਖਾ ਆਪਨੇ ਇਤਨੇ ਫੌਜ ਤਾਂ ਵਹਾਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਯਹਾਂ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਹੈ इतने पाकिस्तान में जो हकीकत है आप देखिए कैमरे में आपको दिखाएंगे कि कहना है यहाँ के किसानों का कि इतनी फोर्स बाघा बॉर्डर पे नहीं होती है जितना यहाँ पर लगाए हुए हैं। कैमरे में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये सारी जो आर्मी आरएफ लगाए हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सारे जो फोर्स लगाए गए हैं ये किसान को रोकने के लिए लगाए गए हैं, ताकि जो कि ये इस देश के किसान हैं, भारत देश के किसान हैं, ये वोटिंग करते हैं, ये अन्न उपजाते हैं, पूरे देश को खिलाते हैं, उसके बाद इनके इनको रोकने के लिए, इनको आगे जाने के लिए सारी फोर्सेस लगाई गई हैं ताकि ये आगे न बढ़ पाए। क्या लगता है आपकी मांगे मानी जाएंगी? हम लोग अपना हक लेने के लिए आए हैं, कोई नजायज हमारी डिमांड है तो बता दो, हमारा जो हक है किसानों का वो लेने के लिए आए, कोई फालतू डिमांड तो हम मांग ही नहीं रहे। जो हमारा फर्ज है, जो खेती के ऊपर आ रहा है, जो मजदूर किसान का कर्जा है वो माफ़ करवाने के लिए आया है, जो खेती के बारे में और कुछ है वो उसके बारे में है, तो ऐसे फालतू क्या मांग रहे हैं? काहे के लिए इतनी फौज लगाई? बैठ के टेबल पे बात हो सकती है? ये लोगों की शर्म होनी चाहिए। ये जो आप फोर्स लगी आपको रोकने के लिए लगी है, आपको लग रहा है ये? हाँ सर, देखिए रोकने के लिए तो हम सब रोक पंजाब के लोगों को रोकने की लगी है ना, तो जो अब उधर खड़े हैं हथियार लेके बंदूक लेके वो भी हमारे ही किसान हैं। अब क्या है, उनकी रोजी रोटी का सवाल है, वो भी मजबूर ने है ना, तो उनको भी उधर से मारने के लिए मजबूर कर रहे हैं, हम लोगों को आपस में बढ़वा के मरवा रहे हैं ना, तो पंजाब अनाज पैदा करके दे रहा है पंजाब हरियाणा। और जो आर्मी है आपस में दोनों लोग को लड़ा रहे हैं? हाँ लड़ा ही रहे हैं, जब हमारे बंदे उधर से हमको मारेंगे रोकेंगे हैं। अभी यही खेती है, अभी आपका घर है, अभी सरकार आके चाहे कि हम इसको काट के इधर ये वो बनाएंगे आपके, आप यहाँ से उठ जाओ तो कहाँ जाओगे आप? एक पंजाब में है, हरियाणा में है, जो खेती होती है अपना किसान किरत करता है दस नहों की, तो वो खाना बना के सबको मतलब पेट में जा रहा है लोगों के। जो एमएसपी के लिए जो आप लोग पिछले साल जो धरना हुआ था 17-18 महीने जो भी चला था, तो वो भी लोग शहीद हुए थे। एक अन्नदाता होता है पंजाब का किसान है ना, तो जो सरकार चलाने वाले ऊपर से बैठे हैं देश के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, तो वो भी इसी तरह पूरे देश का एक अन्नदाता होता है जो पूरे देश को संभालेगा और देगा, और वो तो खुद बढ़वा के मरवा रहे हैं। एक किसान के पास 2-4 किले 10 किले हद 100 किला जमीन है तो वो उसमें कमा के खा रहा है, सब्र है उसको उतने में। इन लोगों के पास पूरे इंडिया के स्टेशन क्या हर चीज प्राइवेट करके ये खुद चला रहे हैं, तो इनके अभी भी इनका पेट नहीं भरता, कहाँ खड़ेंगे इतना पैसा है अभी नहीं। अभी आप लोग अभी क्या है, कुछ आगे का क्या प्लान है, कैसे करना है? जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे जो है दिवाली फोर्सेस लगाई गई है, आगे का प्लान जो फोर्सेस लगाई गई हैं, ये सारे दीवार बैरिकेटिंग की गई है आपके लिए, कैसे जाएंगे आप? देखो जी, पहली गल मैं अमृतसर जिला बाबा बकाला जोन का जोन प्रधान चरण सिंह कलेर कमान, ये जिहड़ा मोदी ने साडियां मंगां पूरियां मनियां सीगियां लागू नहीं कीतियां, वो MSP दी इन्हें आख्या सीगा मैं कमेटी बनाऊंगा, कोई नहीं बनाई, वही मंगा ही जिहड़ियां इहने पहला मन चुका वह मनवाउण वास्ते लागू कराउण वास्ते इकट्ठे होके किसान आए हैं, पर एक ही किया सेंटर गौरमेंट हरियाणा गौरमेंट पंजाब गौरमेंट सब एक ही रस्से चल रही आ। ये जिहड़ा घग्गर दरिया के उत्ते ब्रिज आ, ये पंजाब दे विच आ, अगले बन्ने टोल प्लाजा वो हरियाणा वा, लेकिन उन्होंने आ जिहड़ी घट तो घट भी अद्धा 1 किलोमीटर होगा। हाँ मतलब ये जो फोर्सेस हैं जो लगे पंजाब में, और उस तो बाद जिहड़ा ये साडे नाल सलूक कर रहे आ, इस तरह असी फौज दे विच रहे आ, कत्तर दी लड़ाई लड़ी आ, उत्थे भी ये सलूक नहीं सीगा, एक बन्ने बगैर हथियारां तों, एक बन्ने BSF CRP हरियाणा पुलिस सब लगी हुई, किहड़ा अमनीशन चला रहे साडे ते जिहदी डेट लंघी हुई आ, अगर किसी नूं एक्सपायरी डेट वाली गोली दे दिओ ते ओनू नहीं वो रिएक्शन करदी आ, ए आंसू गैस के जो गोले छोड़ रहे हैं वो एक्सपायरी डेट। हाँ और जेड़े जेड़ा असली भी फायर किए इन्होंने जेदे उत्ते 7.62 mm मार्क लगा होया, हाँ गोली रबड़ की गोली वक्री, वो गोली वक्री पत्थरू, हाँ फिर ड्रोन
जेड़ा अगे कोई इतों कोई हरकत नहीं, साढ़े कोई हथियार नहीं, आ डंडा झंडा सिर्फ साड़ी अपनी निशानी आ हर एक जथेबंदी की। सारे जथेबंदियां कट्ठिया होकर लड़ रही, असी बगैर हथियारों तो लड़ रहे, ये गोलियां चला रहे और घट तो घट भी साढ़े 100 तो उपर जे जवान सिंह किसान मजदूर सारे इन्होंने जख्मी किए आ। और एक जवान साडा उदन इतने शहीद हो गया सी। मंग उ जी पहला मन चुका साढ़े नाल दिल्ली बैठे पर लागू नहीं कर रहा, पिछली बार जो मन लागू नहीं कर रहा उसी लिए हाँ उसी लड़ाई है। मैं बता देना चाहता हूँ कि मोदी और खट्टर सरकार को कि जो हमारा भारत है वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा से नहीं, यूपी बिहार केरला राजस्थान अलग अलग स्टेट से जो किसान है वो अपनी मांगे लेकर अपने हक लेने के लिए पहुंचे हैं। ये कुलदीप जी हैं बिहार से। मेरा कुलदीप सिंह है, मैं बक्सर बिहार से हूँ। बिहार से हैं तो आप भी यहाँ आए हैं आंदोलन में शामिल? बिल्कुल बिल्कुल धरने में आया हूँ और 2020 में भी जब चल रहा था तब भी मैंने 13 महीना साथ दिया और हमेशा रहूँगा पंजाब के साथ में, क्योंकि पंजाब अपने लिए नहीं लड़ रहा है, पूरे मुल्क के लिए लड़ रहा है। यदि अब ये पंजाब के साथ खड़े नहीं होगे तो आने वाले समय में बहुत से आपको पछताना पड़ेगा। मैं यही कहूँगा कि ये जो पंजाब है ना, पंजाब वो स्टेट है, पंजाब का मतलब एक जागरूक स्टेट, पंजाब का मतलब शेर जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी दिया। इस पंजाब को तोड़ने के लिए समय समय पर सरकार ने पॉलिसी बनाई, 75 का इमरजेंसी देखो या 84 का सिख दंगा देखो या 2020 में जो 2020 जब कानून लेकर के इन्होंने आया, तो देखो ये लड़ाई किसान की तो पॉलिसी से है ही, लेकिन साथ साथ इस देश की सिस्टम, ये सारा लड़ाई देश की सिस्टम से है कि जो पावर सेंटर में जो लोग बैठे हुए हैं, सिस्टम पे जो कब्जा किए हैं, वो लड़ाई उससे है, ये लड़ाई विचारधारा से है, ये देश की जो लड़ाई है किसानों की ये विचारधारा से है, ये सारी लड़ाई विचारधारा और सिस्टम के खिलाफ में है, क्योंकि सिस्टम को चलाने वाले कौन हैं? विचारधारा, जो देश में विचारधारा को प्रचार करना चाहते हैं, ये उसमें लोग कौन से बैठे हुए हैं? और किसान आंदोलन को जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, 2020 में भी जब आंदोलन चला था उसमें भी इन लोगों ने बांटने की कोशिश किया, खालिस्तानी है, एक मंत्री थी महिला मंत्री उसने मवाली बोला, तरह तरह के इन्होंने खालिस्तानी मवाली चाइनीज मतलब क्या नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर ये बोल रहे हैं कि आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया, कई सारे नेताओं को दिया, जो पुराने जो मरणोपरांत दिया, अभी स्वामीनाथन ने स्वामीनाथन को दिया मरणोपरांत, चौधरी चरण सिंह को, ये लोग क्या इस तरीके से भारत रत्न दे करके कहीं ना कहीं किसानों को मनाने की कोशिश हो रही है या किसानों को अपने वोट बैंक में खींचने की कोशिश हो रही? देखिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देश की 28 स्टेट हैं और 28 स्टेट में मैसेज यदि जा रहा है आपके मीडिया के माध्यम से, तो मैं यही कहूँगा कि देश में जो 24 का इलेक्शन है 3 महीने बाद है, मतलब 2 महीने बाद, क्योंकि 15-20 दिन में आचार संहिता लागू हो जाएगा, उसके बाद ये सरकार को ऐसी क्या मजबूरी आई कि MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने नारा दिया था कि अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पे अड़ना सीखो और जीना है तो मरना सीखो, जो लेनिन जिसको कहते हैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, उन्होंने नारा दिया कि अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में, कहा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है और धन धरती राजपाठ पे 90 भाग हमारा है। उन्होंने किसान की बात की थी, बाबा नानक ने 9 रेस 9 कास्ट, गुरु गोविंद सिंह ने 4 बच्चियों को कुर्बानी दिया, 14 युद्ध लड़े, 14 युद्ध जीते, 14 युद्ध जीत गए। लगता है कि ये जो आप लोगों की मांगे हैं, किसानों की मांगे हैं, ये 2024 इलेक्शन से पहले कुछ इस पर बात बनेगी? देखिए सबसे पहला तो ये भारत रत्न देने का इनका ये मेन पॉलिसी है कि यदि ये जनता और किसान आवाज़ नहीं उठाएंगे और ये सड़कों पे नहीं आए होते, साइलेंट हो गए होते, तो ये समझो कि EVM के द्वारा
ये यदि फिर 24 में सत्ता में आ जाएंगे तो ये साबित करेंगे कि इन्होंने एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, तो लोग ये साबित करेंगे कि ऐसे ऐसे गिने चुने लोगों को भारत रत्न दिया गया और किसानों ने, जनता ने खुश होकर के वोट दिया और सरकार फिर से केंद्र में सत्ता में आ गई, जो उस समय 2021 में जो 5 विधानसभा का चुनाव था जब ये बात हुई थी तब वो भी बात हो लागू हुई थी, मतलब सरकार ने ये नीति लागू किया कि कानून को रिफिल करो। उसके बाद लोग जानना चाह रहे हैं कि ये एमएसपी कानून जो है इस पे मुख्य मांगे क्या है। एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ज्यादा नहीं। ये किसान भारत वही मांग कर रहा है जो नरेंद्र मोदी ने कहा था गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए, जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और ये मुख्यमंत्री था उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह को सीधा टारगेट बनाया था। जब सिख प्रधानमंत्री था, मुसलमान राष्ट्रपति था, तब भारत खतरे में नहीं था। उन्होंने बोला कि इनके मतलब शासनकाल में भारत की इकोनॉमी है जो खतरे में है। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 कार्यकाल बीतने जा रहा है, यानी 10 साल 2 महीने रह गए हैं। अब बताओ कि 10 साल बीत गया, 10 साल में इसने पहले ही 2014 से इलेक्शन से पहले आने में मतलब प्रधानमंत्री बनने से पहले वादा किया कि साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे, एम एस स्वामीनाथन के आयोग को लागू करेंगे, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे, 15 लाख देंगे, मतलब नरेंद्र मोदी ने तमाम वादा किया था। तो किसान तो वही तो मांग कर रहा, अलग तो कोई मांग है नहीं। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, अभी पढ़ता भी हूँ, अब यदि मैं एक इस आंदोलन का हिस्सा हूँ, पूरा बिहार पंजाब का सपोर्ट में है, पंजाब का साथ है, यदि उस बिहार से मैं हूँ तो मैं तो गलत नहीं हो सकता हूँ ना, कि ताकि मैं आकर के इस आंदोलन में साथ हूँ तो ताकि कहीं ना कहीं हम भी तो ये कानून को पढ़े होंगे। अब पराली वाला जो कानून है, आप कह रहे हो कि जलाना अपराध है, हाँ, तुम पॉलिसी बना करके डेमोक्रेसी में जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार होती है, जनता वोट देती है तुम्हें, ना कि तुम जनता को वोट नहीं देते हो और जनता से तुम चलते हो, जनता की नौकर हो, तो नौकर को नौकर जैसा रहना चाहिए। इनका मानना ये है कि पंजाब को, किसानों को गिरमिटिया मजदूर बना दो जैसे बिहार में हैं, ये दूसरे के सामने हाथ फैलाने लायक रह जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वो था कि उपनिवेश स्थापित करना, वही पंजाब और हरियाणा में अपनी कंपनियां अडानी अंबानी को स्थापित करना चाहते हैं और ईवीएम के द्वारा ये 24 में फिर सत्ता में आना चाहते हैं। ये देश में जगह जगह आंदोलन चल रहा है, ईवीएम का मेन मुद्दा है, क्योंकि कांग्रेस ने ईवीएम को लाया था, कांग्रेस ने ईवीएम के माध्यम से 65 साल राज किया और नरेंद्र मोदी ने 10 साल राज किया, तो ये ईवीएम कहीं ना कहीं मेन मुद्दा है। ये लड़ाई ही सिस्टम परिवर्तन के खिलाफ। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख रहे हैं हमारे पीछे किसानों का हुजूम है, लगातार किसान आंदोलन पर बात हो रही है, लेकिन शायद इस पर मेनस्ट्रीम मीडिया चुप है, इस पर सवाल नहीं उठा रही है, इसके बारे में बात नहीं कर रही है। जहां तक बात आती है कि किसान नेता को भारत रत्न देने की, इस देश में भारत रत्न दिया जाता है, उस भारत देश के किसानों का ये हाल आप जरूर देख रहे होंगे, आपको देखना भी चाहिए कि किस तरीके से इनकी मांगों को रोकने के लिए, इनके आगे बढ़ने के लिए, रोकने के लिए लगातार बैरिकेडिंग्स की गई हैं। फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आप तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर इस देश की है, इस भारत देश की है, जहाँ पर लगातार आर्मी लगी हुई है इस देश के किसानों को रोकने के लिए। शायद आपके मन में सवाल उठता होगा, लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते रहिए मेरी पड़ताल।